Hello guys, I am myself D. Chinkinath and you are watching the Adventure Club Guwahati. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है, एक्चुअली बेल का आइकॉन नीचे में है, मैं आपको ऊपर से खींच के दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बाकी कुछ नहीं। इसको प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। वन सेकेंड। तो गाइज, मैं आज एक बहुत ही बुरी खबर लेके आया हूं। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको मालूम चलेगा कि मैं किसके ऊपर बोलना चाहता हूं। ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो दैट, क्योंकि मैं थंबनेल में दिया हूं, थंबनेल में देख के आपको मालूम चल ही गया होगा कि मैं किसके ऊपर बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में, जो कि बहुत खतरनाक सिचुएशन पे होगा। ये वीडियो खास तौर से क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड का जो है, उन सभी राइडर्स के लिए है और उन सभी के लिए ये वीडियो प्रॉफिटेबल जरूर होगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी आपको एक हादसा बोलने जा रहा हूँ जो आपको भी बहुत खराब लगेगा सुन के। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके साथ ये हरगिज ना हो, सो इसीलिए वीडियो पूरा देखते रहिएगा। तो गाइज, हुआ यूं, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उनका एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है। 4 महीना पहले ही वो बाइक लिया था, 4 या 5 महीना तकरीबन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, अभी भी इंश्योरेंस है। और वो कभी कभी मेरे ऑफिस पे आते रहते हैं, तो उस दिन भी गया। उस दिन मतलब मैं परसों का बात कर रहा हूँ, परसों मतलब आज है आपका 13 तारीख, 12-11 को वो मेरे ऑफिस पे गया। मेरा ऑफिस है राजगढ़ रोड पे, और राजगढ़ बाइलेन नंबर 4, ये गुवाहाटी सिटी का बात कर रहा हूँ मैं। वो बाइलेन 4 में मेरा ऑफिस का सामने में बाइक रख के वो मेरे ऑफिस पे बैठा हुआ था। काफ़ी देर तक हम लोग बातें की और कुछ देर बैठा, तकरीबन 4:30 या 5 बजे हम लोग निकला। सोचा था कि सिलपुखरी साइड जाएंगे। अरे यार, मेरा कैमरा तो एक्चुअली कैमरा नहीं है, ये मोबाइल, मेरा मोबाइल है, आज दूसरा मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा अप डाउन जैसा कर रहा है, मालूम नहीं काहे कर रहा है, ऐसे होने से खराब होता है। अब ठीक है, तो कम से कम 4:30-5 बजे तक हम लोग ऑफिस में बैठा। तो हम लोग तीन जन था, और उसके बाद पुखरी में जाने की बात हुई कि हम लोग अभी निकलेंगे सिलपुखरी तक। मेरा ऑफिस से अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स होगा, या मैक्स 2 किलोमीटर्स होगा। तो जब मैं तीनों ऑफिस से निकले, नीचे आए, तो देखा कि उसका बाइक नहीं था। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि वो मोमेंट कैसा लगेगा आपको, कि आप अपना बाइक लेके किसी जगह में जाते हैं, तो उसके बाद जाके आप जाने के टाइम में बाइक आपको दिखती नहीं है, तो उसके बाद आपको कैसा फील होगा, खुद समझ लीजिए। फिर मैंने भी उसको पूछा कि तू कहीं दूसरा जगह में रख के आया होगा, तो वो बोला नहीं, मैं तो यहीं पे आया था डायरेक्टली। मैं भी जब 5 बजे गया था मैं सुबह मॉर्निंग में, 11:30 बजे मैं वहाँ मेरा ऑफिस में पहुँचा, तो मैं भी देखा था उसका बाइक, तो ठीक उसका ऑपोजिट में ही मेरा बाइक रखा हुआ था, मैं देखा था। मन में थोड़ा सा मतलब उम्मीद अभी भी थी कि शायद कहीं दूसरा जगह में लेके गया होगा, याद नहीं आ रहा है, ऐसा सोचा था। बहुत ढूंढा जाके अनफॉर्चुनेटली बाइक कहीं दिखी ही नहीं। उसके बाद जो हुआ, क्या बोलूँ, और मैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मैं, बाइक तो मेरा नहीं था, फिर भी मुझे इतना बुरा लगा, इतना ख़राब लगा कि आपको कुछ नहीं बोल सकता मैं। उसके बाद उसको बोला कि एक काम कर, 100 डायल कर और बात जो है बोल दे। फिर उसने 100 डायल करके बोला, बोलने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस पूरा डिटेल्स इंक्वायरी लिया,
और उसके बाद हम लोग सोचा था कि एक काम करें, फिर तब तक 5:30 अंधेरा हो गया था, मतलब 5:30 जैसा टाइम हो गया था। तो उसके बाद हम तीनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, डायरेक्टली पुलिस स्टेशन चलते हैं और एफआईआर देते हैं। हम लोग गया पुलिस स्टेशन में, गया जाने के बाद वहाँ पे एफआईआर भी दिया। कॉपी में आपको दिखा दूंगा, आरसी भी दिखा दूंगा और बाइक भी दिखा दूंगा, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। वीडियो का लास्ट तक देखिए, उसके बाद मैं दिखा दूंगा। पुलिस वाले ने एफआईआर करने के बाद हम लोग को बोला कि एक काम करो, जहाँ पे चोरी हुआ है वहाँ तक लेके चलो। तो हम तीनों आया पुलिस के साथ, आने के बाद जगह दिखा दिया तो पुलिस वाले बोलने लगा कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे चोरी हो चुका था। तो तब मैं और डरने लगा, क्योंकि मेरा बाइक उधर ही रखते हैं हमेशा, आज कम से कम 1-1.5 साल से। ये तो बहुत बुरा हुआ ही, मेरे साथ भी ऐसा होता तो कितना ख़राब लगता। तो इसीलिए मैं मेरा बाइक अभी से एक्स्ट्रा लॉक करके रखता हूँ। हालांकि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा देर ऑफिस में बैठता नहीं हूँ, हम लोग को इधर उधर आना जाना पड़ता है, इसीलिए लॉक खोलना फिर लगाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ऐसा ही मेहनत करना है, तो इतना दामी बाइक है तो उसको भी तो संभालना ज़रूरी होता है। पुलिस आके वैसे बोला हम लोगों को, फिर हम लोग भी इधर उधर देखा, हम लोग के सामने में एक सीसीटीवी था, फिर भी वहाँ से फुटेज लेना बहुत प्रॉब्लम होता। फिर भी वहाँ पे हम लोग गया जाके, जो सीसीटीवी जिसने लगाया, एक ऑफिस है, वो ऑफिस का मालिक को पूछ के हम लोग बोला कि आपका वहाँ से फुटेज मिलेगा क्या। वो बोला कि उम्मीद तो नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर हम लोग कोशिश किया, मगर वहाँ पे फुटेज मिलता नहीं, मतलब रास्ते तक नहीं आता, वहाँ से रास्ता को कवर नहीं करता है, तो इसीलिए वहाँ पे फेल हो गया। और मुझे भी लग रहा था कि वो इतना दूर तक तो फुटेज आएगा नहीं। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि बुलेट का साउंड ही इतना है, हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, तो बाइक अगर स्टार्ट होने से भी हम लोगों को ज़रूर मालूम चलता, या फिर वैसे वहाँ पे और बाइक है रखता है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा लॉक लगा के जाते हैं। और उस दिन ये एक्स्ट्रा लॉक लगाया भी नहीं था, हालांकि उसका था मगर लगाया नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, हम लोग भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा बोल के। उसके बाद से क्या हुआ, पुलिस बोला कि एक काम करो, तो अभी तो एफआईआर हो चुका है, रजिस्टर तो अभी नहीं होगा, क्योंकि वो हमको भी मालूम है कि विदिन 24 आवर्स एफआईआर रजिस्टर होता है, तो इसीलिए एफआईआर रजिस्टर किया 24 घंटे के बाद, मतलब उसका नेक्स्ट डे, कल का बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग भी गया तो एफआईआर रजिस्टर किया। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद वो पुलिस ने बोला कि एक कॉपी डीटीओ में जमा करना होगा और एक कॉपी आपको देना होगा सीबीआई ब्रांच में, शायद सीआईडी ब्रांच या सीबीआई ब्रांच ऐसे कुछ था, मैं भूल गया, वहाँ पे तो मैं नहीं गया, मेरा दोस्त गया था। और एक कॉपी देना पड़ेगा आपको इंश्योरेंस में, जब ये सारा फॉर्मेलिटीज कर लिया। मैं आपको ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, अगर होगा भी तो ये सब कुछ आपको करना होगा, पहले से आप लोग रेडी होके रखिए। ये तो हो गया प्रोसीड्योर के बारे में, तो मैं बोल रहा हूँ अभी बाइक आपको आप कैसे रखें, एक्स्ट्रा लॉक हमेशा करके रखिएगा, तब जाके आपका बाइक चोरी होने का चांसेस नहीं होगा। और एक इंसिडेंट मैं उसी बीच बोलता हूँ, जब पुलिस स्टेशन में हम लोग एफआईआर देने के लिए गया था, उसके बाद एक लड़की वहाँ पे मिला, वो लड़की का मुझे ही बोल रहा था, मैं पूछ रहा था उनको कि आपके साथ क्या हुआ। वो बोला कि मैं बात करके मैं पॉकेट में डालने ही वाला था, उसी दौरान पीछे से एक लड़का स्कूटी लेके आया, तो वहां से छीन के लेके गया मोबाइल। तो सोचिए आप, अभी जमाना कितना कैसा हो गया, आप लोग मतलब सोच नहीं सकते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो खराब लगा ये सब सुन के। और बाकी आप बाइक कैसे रखें, एक्स्ट्रा लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करना ही है, और ऐसा जगह में रखिए कि वहाँ से सीसीटीवी का फुटेज, आजकल मैक्सिमम जगह में सीसीटीवी होता है, तो वो सब देख के आप लोग अच्छी जगह पे, सेफ जगह में आपका बाइक हो या व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो वो रखना होगा। इतना गर्मी है, फैन भी बंद है, 1 मिनट। ये करने से आपका बाइक जो है सेफ रहेगा, चोरी तो कहीं से भी कैसे करके भी ले जा सकता है, फिर भी आप लोग ऐसा चांस बिल्कुल मत दीजिए। उसका बाइक का फोटोज और एफआईआर कॉपी और आरसी वीडियो का एंड में ज़रूर दूंगा। आप लोग हो सके तो वो बाइक अगर मिलता है तो काइंडली आप लोग का
जो नज़दीक की पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप लोग ज़रूर एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तब जाके अगर बाइक मिलेगा तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा अगर आप लोग हेल्प करते हैं तो। और एक बात है, बहुत बड़ा बात है जो मेरे साथ हादसा हुआ था, मैं आप लोगों को बहुत जल्द वो हादसा सुनाने वाला हूँ। वो तो अभी हो चुका है, बीत गया है, मगर मेरे साथ हुआ था, आपको मैं बोल नहीं पाऊँगा अभी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो मैं ज़रूर उसके ऊपर बनाऊँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो, आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, देखिएगा ज़रूर मैं जब अपलोड करूँगा तब। तो पहले बाइक देख लीजिए, आरसी देख लीजिए और एयर कॉपी देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए और इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा काइंडली, ये देख लीजिए। लोग जरूर कमेंट करके बोल सकते हैं अच्छा लगा तो, लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग, ये वीडियो खास तौर से अगर हो सके तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, किसी का हेल्प तो जरूर होगा, तो इसीलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ। तो आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कर दीजिएगा, जहाँ पे ऑल का ऑप्शन होगा उसमें क्लिक कर दीजिएगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तभी आपको नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपका मोबाइल पे जाए। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय, बाय बाय।